आर्य फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो हम रोज़ नॉर्मल खाना खा के बोर हो चुके हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार के पिज़्ज़ा जैसा होगा। जैसा कि आपको पता ही है, आपके पेरेंट्स भी और हमारे पेरेंट्स भी हमें बाजार से सामान लाना अवॉइड कर रहे हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा की बेस से लेके टॉपिंग तक सब कुछ होममेड बनाएंगे, प्योरली होममेड। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा का बेस बनाने से। तो उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से होंगे। ये मैंने लिया है मैदा, ये मैंने 4 कप मैदा लिया है। ये मैं क्योंकि 6-7 लोगों के लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो आप 1 कप मैदा लें एंड अकॉर्डिंगली इस चीज़ को वेरी कर लें। ये मैंने लिया है 1 कप दही, 1 कप दूध, नमक, ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये ऑयल। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें दोनों कंपलसरी है, आप दोनों अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर आप ईस्ट यूज़ कर लेते हैं तो आप इन दोनों को अवॉइड करके ईस्ट को एक्टिवेट करके मैदा में मिला लेना, जब मैं ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी उसकी जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डो बनाना। तो चल आर्या फैमिली, हमने ये अपनी एक प्लेट ले ली है। अब हम इसमें अपना मैदा ले लेंगे। ये जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी, मैंने अपना सारा मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए आप 1 ही चम्मच बेकिंग पाउडर को ऐड करिएगा। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसमें आप 1/4 टेबल स्पून इसमें ऐड करिएगा। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, 1 कप दही जो मैंने आपको बताई थी। ये फ्रेश दही है जो मैंने घर में ही बनाई है, क्योंकि आज हम सारा सामान घर का ही बनाया हुआ यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको बहुत सॉफ्ट डो में हमें टर्न करना है। तो इसमें हमने 16 टेबल स्पून दही ऐड करी थी। आप 2 बना रहे हैं अगर पिज़्ज़ा तो आप 4 टेबल स्पून दही ऐड करिएगा। अब मैं इसको सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ बाकी का डो गूंथने के लिए। इसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। 2 पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप 1/4 कप दूध ऐड करना इसमें। अब मैं इसमें बाकी का दूध भी ऐड कर देती हूँ और इसको बहुत ही सॉफ्ट डो में नीड कर लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, देखिए थोड़ा सा ही ऐड किया है मैंने पानी बिल्कुल, ताकि ये डो बाइंड हो जाए। हम इसे मसलते रहेंगे, ये अपना फिर बाइंड होके तैयार हो जाएगा और हाथों पे चिपकना बंद हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा इस आटे को मसल के बनाएंगे उतना ज़्यादा ये आटा अच्छा बनेगा और आपका पिज़्ज़ा भी फ्लफी बनेगा। देखिए अभी आटा थोड़ा कम चिपकने लगा है, पर अभी भी थोड़ा चिपचिपा है तो मैं इसे और मत लूँगी थोड़ा। ये देखिए हमारा आटा फ्लफी हो गया है। हम सारा सामान घर का इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए हमने ये घर पे बनाया है। अगर आप चाहें तो आप बाज़ार का बेस लेकर भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आगे का प्रोसीजर देख के। अब ये देखिए डो बिल्कुल फ्लफी हो गया और मेरे हाथ पर भी चिपकना बंद हो गया है। ये देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करा है और अब मैं इसको भी अच्छे से इसके साथ गूँथ लूँगी। ये जो मैंने पहले आटा गूंथा था इसमें मुझे अप्रॉक्स 5 मिनट लग गए थे। आपको भी इतना ही समय लगना चाहिए या कम भी लग सकता है अगर आप 2 पिज़्ज़ा बनाते हैं तो। ये देखिए अब हमारा आटा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। और देखिए मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ, ये देखिए बाउंस बैक भी कर रहा है। अब हम इसको कपड़े से कवर करके रख देते हैं और अपनी आगे की टॉपिंग्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें टॉपिंग बनाने के लिए इन सब इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इसमें मैंने लिया है अनियन, ये मैंने लार्ज पीसेस में चॉप कर लिया है। ये मैंने लिए हैं स्वीट कॉर्न, ये मैंने लिया है कैप्सिकम, इसको भी मैंने स्क्वायर पीसेस में इस तरह से डाइस कर लिया है।
ये मैंने लिए टमाटर, भी मैंने अच्छे से डाइस कर लिए हैं। ये मैंने लिए हैं पनीर, और ये भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये भी होममेड पनीर है और इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक चेक करिए। ये नमक, मस्टर्ड ऑयल और ये चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, हल्दी, ब्लैक पेपर पाउडर और ये हमारा गरम मसाला। आप चाहें तो अपने मनपसंद वेजीज भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम या आपकी जो भी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक बाउल ले लिया है, मिक्सिंग बाउल। अब मैं इसमें अपने पनीर के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 250 ग्राम पनीर का इस्तेमाल करा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वैरी कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, ये वाइट सॉल्ट है नॉर्मल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना 1 टेबलस्पून ऑयल। ये मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैं 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें और ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप यकीन मानिएगा ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और आपने ऐसा पिज़्ज़ा पहले कभी नहीं खाया होगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले। ध्यान से करिएगा ताकि हमारे पीसेस पनीर के टूट ना जाए। अब हम अपने पनीर के पीसेस को एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब हम सेम बाउल में वही क्वांटिटी का मसाला ऐड करके अपने बाकी के वेजीज को भी इसी तरह कर लेंगे। अब हम इसी तरह सारे वेजीज को अपने इसी तरह मसाले में कोट कर लेंगे। ये हमारी सारी वेजीज हैं और इन्हें को मैंने मसाले में कोट करके रख लिया है। पैन हीट कर लेते हैं नॉर्मली। अब हम इसमें हमें कोई ऑयल नहीं ऐड करना, कुछ नहीं ऐड करना, और इसमें सबसे पहले हम पनीर ऐड कर लेते हैं और इसको हल्का सा भूनेंगे। हमें इसको जलाना नहीं है ना हमें इसे, ताकि बस मसाला इस पर स्टिक हो जाए, हमें इसे इतना ही भूनना है। देखिए ये मसाला इस पर स्टिक हो चुका है। अब हम ऐसे ही अपनी बाकी वेजीज भी इस तरह से ही स्लाइटली भून लेंगे। अब सेम पैन में हम शिमला मिर्च ऐड करके टॉस कर लेंगे। ये देखिए हमारी वेजीज टॉस होकर तैयार हो चुके हैं, इस पे मसाला भी अच्छे से चिपक चुका है। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम बनाएंगे जो हमारा चीज़ का सब्स्टिट्यूट है वो बनाएंगे, और आप यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देगा आपको। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार हैं। ये फुल क्रीम मिल्क, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, ऑरिगेनो और ये बटर। ये बटर भी होममेड बटर है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। तो विजिट करिए डिस्क्रिप्शन और चेक करिए इसका लिंक। अब हम एक पैन हीट कर लेते हैं और उसमें हम अपना 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देते हैं। अभी हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे मैदा को, ताकि हमारा कच्चापन का टेस्ट इसमें ना आए। अब ये भून चुकी है मैदा और हम इसमें धीरे धीरे करके अपना दूध ऐड कर देंगे और साथ में इसको चलाते भी रहेंगे। अगर आपके इसमें लम्स आ जाते हैं तो आप इसको विस्कर से चला सकते हैं, वरना तेज़ हाथ करके भी चला सकते हैं तो भी इसके लम्स निकल जाएंगे। हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं ओरिगैनो, हम इसमें ऐड करते हैं अपना ब्लैक पेपर पाउडर, अब हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम ऐड करते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम इसको एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे।
अभी मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें अपना एक ट्राईपॉड स्टैंड ऐड कर रही हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ हीट अप होने के लिए और अपना पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा डो देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही फ्लफ़ी डो बना है, देखिए ये बाउंस बैक भी कर रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपना बेस। इसको हम अपने इस तरह से रोल कर लेंगे। अब हम इस डो पे थोड़ा सूखा आटा छिड़कते हैं और इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लोर और स्प्रिंकल कर लूँगी और इसे रोल फिर से करना स्टार्ट कर दूँगी। ये हमारा बेस रोल होके रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाकी का प्रोसेस करने के लिए। अब हम इसको अपनी उंगलियों की मदद से साइड से थोड़ा मोटा छोड़ेंगे और बीच से थोड़ा पतला कर लेंगे, कुछ इस तरह से। देखिए इसके एजेस थोड़े थिक हो चुके हैं। अब हम इस पर फॉक्स से ऐसे कर लेंगे। अब हम इसको तवे पे ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हल्का सा बिल्कुल स्लाइड सा सेक लेंगे। इसको नीचे से सेकने देते हैं हल्का सा। अब ये हल्का सेक चुका होगा जहाँ तक है नीचे से। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए ये बिल्कुल सही पका है, हमें इससे ज़्यादा नहीं इसको तवे पे सेकना है क्योंकि ये बाद में कढ़ाई में सिक जाएगा। देखिए ये ऊपर से भी हल्का सा सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में वापस से। अब हम इसमें सॉस अप्लाई करेंगे अपनी पिज़्ज़ा सॉस, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी जो हमने व्हाइट सॉस रेडी करी थी वो ऐड कर देंगे। हम इसके ऊपर अपनी मनपसंद वेजीज लगा लेंगे। तो देखिए अब देखिए हम इस पर अपनी मनपसंद वेजीज ऐड कर रहे हैं जो हमने पहले से ही टॉस करके रखी थी। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। ये तो मुझे अभी से इतना टेस्टी लग रहा है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी व्हाइट सॉस अपनी और ऐड कर रही हूँ। ये हमारा प्री हीट हो चुका है तो हम ये प्लेट को हटा के अपना पिज़्ज़ा प्लेस कर देते हैं और इसको वापस ढक देते हैं और इसको फिर पकाने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारे पिज़्ज़ा को पकते हुए अप्रॉक्स 12 मिनट हो गए हैं। मैं इसको अब हटा के चेक करती हूँ। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब आप इसको निकालिए, गरम गरम सर्व करिए और खाइए। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है खाने में, ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। अब आप खाइए, इसको ट्राई करिए। आपको बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी पर इसका जो टेस्ट है इट्स वर्थ इट। सो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट इन द सेक्शन एंड मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और प्लीज़ मेरी ये वीडियो को आप 75 लाइक्स के टारगेट तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।